शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिस्टर देखो, इन्हें हिलने मत देना। जैसे ही खतरा महसूस करो, सराहने रखी गोली उनकी जबान के नीचे रखना और मुझे फौरन फोन करना। ओके ओके डॉक्टर। नर्स, छोड़ दो इसे। पापा, तुम सोने जाते हो? हाँ मम्मी। पापा, तुम तो कह रहे थे आज मैं जरूर आ जाएगी। कल, आज नहीं कल। कल तो रोज आते हैं पापा, पर माँ नहीं आती। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना बेटे, कल माँ जरूर आएगी। मेरा हैप्पी बर्थडे इसलिए माँ आएगी ना, सच्ची सच्ची बोल ना पापा, माँ आएगी ना, कब आएगी? मुन्ना, अब पापा को सुने दो, आओ। हेलो पापा, अब कह रहे थे ना कि माँ टूट कर भगवान के घर चली गई, कि मैं दूध नहीं पीता, मैं इतना सारा दूध पीऊंगा। जीते रहो बेटा। आओ मुन्ना। बाबू, तुम कुछ नाराज हो? नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी, मुझे दुख है तो सिर्फ एक बात का, मालकिन पर लोग सिधा गई। दुनिया में कोई ऐसा देखा है जो जाने वाले को वापस ले आए? फिर आपने इस मासूम से झूठ क्यों बोला? कल इसकी मां आ जाएगी। नहीं रामू, अब की झूठ नहीं बोला। मालिक, वो गोपाल है ना, मेरा दोस्त, भाई से भी बढ़कर मेरा सब कुछ, तुम तो उसे जानते हो रामू। मैंने उसे और उसकी पत्नी को बुलाया है, भाभी मुन्नी की माँ हो जाएगी बस। राम राम भाभी, माने के अंदर है। अरे क्या हो गया बेटा? अरे जा रही बड़ी आई, पता उसे चलता है जिसे लगती है। तू झुक झुक जिए मेरे लाल, तेरी आई मुझे आ जाए, हम बूढ़िया और किस दिन के लिए बैठी है। इसमें बूढ़े और जवान की बात नहीं है माँ जी। गोपाल नहीं आया भाभी? नहीं भैया जी, उनका कोई केस था कचहरी में। खैर, आप अच्छे समय पर पहुंच गई भाभी, मुझे तब अगले दम का भी यकीन नहीं है। अरे बेटा, वो तो तुमने लिख ही दिया था, भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए चिट्ठी मिलते ही पहली गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए। हाँ भाभी, मैं भी तुम्हें मुन्ना और उसकी अमानत जल्द से जल्द सौंप देना चाहता था। ये क्या है भैया जी? मैंने अपनी सब जायदाद मुन्ना के नाम कर दी है और गोपाल को ट्रस्टी बना दिया है। हाय, तू जीते जागते ऐसी अपशगुनी की बातें क्यों कर रहा है बेटा? तू फिकर मत कर, ला मुझे दे, मैं सब संभाल। मुन्ना कहाँ है भैया जी? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा, क्या है? तुम्हारी माँ आ गई। कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुन्ना।
तेरी माँ है बेटा? नहीं, मेरी माँ सफेद साड़ी पहनती है, लंबे लंबे काले बाल हैं, माथे पे बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाती है, है ना पापा? नहीं बेटे, यही तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारी माँ है। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। आओ बेटे, मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मुन्ने, 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 मुन्ने। पापा, अपनी माँ को लाने के लिए नहीं कहूंगा। तुम आ जाओ ना पापा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रो नहीं मुन्ने राजा, रो नहीं बेटा। तुमसे कितनी बार कहा है, पापा बहुत दूर गए। बहुत दूर रहा हूँ पापा। बेटा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तू रो मत, भगवान का घर किधर है रामू काका? भगवान का घर मुन्ना, वो जहाँ से घंटियों की आवाज आ रही है ना, वो मंदिर ही भगवान का घर है बेटा। मुन्ना, अरे मुन्ना, क्या है? चल दूध पी। नहीं पूंगा। तू, तेरा तो बाबा भी पिएगा। चल, पीता है कि नहीं? नहीं पूंगा, तू गंदी है। मैं गंदी हूँ? देखा, इसने बड़े बड़ों के हर्ष चिकाने किए हैं। अरे छोड़ो भी माँ, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तू चुप कर, ये लाल प्यारी सदनाश करता है बच्चों का। तुझे भी मैंने ऐसे ही ठीक किया था काल कोठी में बंद करके। कुत्ते के पिल्ले, ले जा तुझे शीतला आया ढाई घर की। से उठकर भगवान के घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था,
फिर तुम बहुत दिन तक वापस नहीं, तो फिर मैं बड़ा हो गया। लेकिन मुन्ना, तुमने ये कैसे समझा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जैसे पापा बोले थे, सच्चे सच्चे तुम वैसे हो माँ। पापा बोले थे? पापा क्या बोले थे? पापा बोले तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, माथे पर बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाती है, लंबे लंबे काले बाल हैं, सफेद साड़ी पहनती है। पापा ने सच्ची सच्ची बोला ना माँ? हाँ बेटे, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पापा से क्यों रूठ गए हो मुन्ने? माँ, पापा बहुत खराब है। मैंने पापा को बोला था माँ को पप्पी देकर भगवान के घर से मना कर ले आओ, लेकिन माँ वो दूसरी माँ ली है, रात में उसके माँ को भी लिया है, वो दोनों ही बहुत खराब है माँ। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं बोलते माँ? ये देखो, उस बूढ़ी ने मुझे कैसे चुटकी काटी, ये देखो। हैरान, एक फूल से बच्चे पर इतना जुल्म। और पता है माँ, मैं सोया था तो पापा घर चले गए, बूढ़ी से पूछा पापा कहाँ है, मुझे बहुत मारा माँ, घसीट कर कमरे में बंद कर दिया, खाने को भी नहीं दिया। और पता है मुझे क्या बोला? क्या? मुझे कुत्ता भी बोला माँ, क्या मैं कुत्ता हूँ माँ? ना ना मुन्नी, तू तो राजा है बेटे, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, अब हम पापा के घर नहीं जाएंगे, वो हमें लेने आएंगे, तुम छुप जाएंगे। माँ, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे पास? हाँ माँ, भगवान रहने देंगे ना मुझे तुम्हारे पास? भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, किसी माँ की गोद सूनी कर देता है तो किसी मासूम से उसकी माँ छीन लेता है। मैं समझी थी कि मेरी ममता का संसार लुट चुका है, पर आज आज जब से इस बच्चे ने मुझे माँ कहकर पुकारा है, मेरे सीने में ममता का सागर उमड़ने लगा है। मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया मेरे पिता, मगर इसे माँ का प्यार जरूर दूंगी। मुझे शक्ति दे मेरे पिता, मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। रोती क्यों माँ? रो मत माँ, भगवान हमें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम कहीं और चल जाएंगे। भाई जी ने कहलवाया है, आज खास मेहमान आने वाले हैं। अच्छी बात है, मैं जल्दी आती हूँ। तुझे ये क्या है माँ? ये घूमरू है बेटा। नहीं आते। चलो अब तुम सो जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे पास सोना है। हाँ हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास।
आइए आइए तशरीफ लाइए गंगा भाई के नन्हे आशिक। चंपा, ए चंपा, ले जाए पिल्ले को यहाँ से। और बेटा नहीं, तुम्हारे लिए जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अजी क्या बात करो खान साहब, मन ने भी कोई महफिल से उठा के ले जाए तो मैं भी यही रोता। बिल्कुल खान साहब जी, सारी मारी जिंदगी तो कोटे पर कटी है, मगर ईशो छोटा आशो तो गंगा भाई के देखियो। सेठ जी, हम तो 20 साल के बूढ़े होकर आए थे कोठे पर, ये तो भगवान भी जाने सही उम्र तो यही आशिक की। हाँ। जवाब नहीं गंगा भाई के हुस्न का। इस उम्र के लौंडे भी इन पर आशिक है क्या समझे। सेठ जी, मैं माफी चाहूंगी इस बेलुत्फी की जो अभी अभी अचानक हो गई। ये मैं माफी मांगने की क्या बात मनोरमा भाई, मन ने तो बड़ो मजो आया। तो खान साहब क्या बात है, पर गंगा भाई से परे ने मुखड़ा करके मन ने दिल को कितने देर और तसा होगा। इब हो जाए को गजर गाने को फिर गणेश। जरूर सेठ जी, पर मैं देख रही हूँ आज महफिल में मजाक का रंग छाया हुआ है, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक हल्का सा मजाक करूं। अजी एक मजाक की क्या बात करो गंगा भाई, 1000 मजाक करो। दिल ये कुण को है, हमारी जाने जिगर कुण को है, तीर पे तीर चलाओ थने डर कुण को है। वाह सेठ जी, मुकर्रर। अजी मुकद्दर तो इनके हाथ में है। लेकिन सेठ जी डरती हूँ, मजाक कभी कभी कड़वा होता है, कहीं बुरा ना लग जाए। ये बात करो जी, थारी तो गाली भी फूल बन के लागे मने, फूल बन के। वाह सेठ जी, वल्ला हजर जवाब हो तो आप जैसा। थैंक यू। हाँ तो गंगा भाई, हो जाए कुछ करारी करारी चीज। हाँ तो लीजिए, मुलाहजा फरमाइए, मगर मेरे सर की कसम उठना जाइएगा महफिल से। कयामत तक न उठे ने जाने मन, वादा रहा। और सेठ जी आप? अजी हमारी क्या बात करो, थारी महफिल में तो देवता भी उतर आवे तो स्वर्ग की अप्सरा ने भूल जावे। एक बार नजरा मिलाकर मुस्कुरा दियो गंगा भाई तो सारी जिंदगी अठे ही लेटा रहूं। तो वादा रहा। अजी वादे की क्या बात करते हो, ये भी लेट जाता हूँ नहीं। तो जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। आज
थे यहाँ कि नाच गाने से कुछ तबीयत बहल जाएगी, मगर यहाँ तो तवास ने हमारी पगड़ी उछाल दी। सर पगड़ी की क्या बात करो खान साहब, हमारी तो चौक भी टेढ़ी हो गई, चार छह महीने शीशे में मुखड़ा को नहीं देख सका के शर्म के मारे। चलो यहाँ से। अरे अरे खान साहब, शर्म के मारे तो मैं मरी जा रही हूँ। अजी थोड़े शर्म के मारे मरने जी से क्या फर्क पड़े हैं? रहने दो सेठ जी, चलो यहाँ से। अजी चलो, तुम हमारी तो बेइज्जती हुई है और हमारी बेइज्जती करने वाला बैठे बैठा खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे हुजूर खान साहब चलिए, ये कोई गंगा नदी थोड़ी है कि दुनिया में बस एक है, ये तो गंगा बाई है। गंगा बाई भाया, आंटी में पैसों होने चाहिए पैसों। यो गंगा बाई तो गली गली में मिले है और मनोरमा बाई भी। हाँ हम तो चलती है। अजी तो हम किधर छोड़ के जा रहे हो कंजरों के? अरे कितना खास साहब सुनिए ना, खास साहब खास साहब, आपको मेरे सर की कसम रूठ के मत जाइए। सेठ जी कम से कम आप तो रुक जाइए ना। मैं रुक जाऊं? क्यों, मैं थारी जात बिरादरी का हूं क्या? कंजर क्या औरी? तवायफ बनकर भी तुझ में तहजीब आई ना शराफत? आज पहली बार शराफत ने ईद का जवाब पत्थर से दिया है भाई जी। जिसे मैं अपना बेटा समझती हूँ उसे इन वहशियों ने मेरा आशिक। तू उसे अपना बेटा समझती है मेरी बला से, लेकिन मेरे घर को यतीम खाना कब से समझ लिया? ना तू उस कलमुहे को यहाँ लाती, ना भरी महफिल में मुझे बेइज्जत होना पड़ता। आप तो मजाक करने लगी भाई जी, इनमें से कौन इज्जतदार था जो आपकी बेइज्जती कर गया? जिन्हें अपनी इज्जत का एहसास होता है वो दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते। ये सब उस गंदी नाली के कीड़े हैं जो दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो सीधे साधे रोग कभी न समाज सुधारक और कभी समाज रक्षक का नाम दे देते हैं। वारी मेरी बन्नो, तवायफ और समाज की बातें, तो क्या तू इस कोठे को भी समाज सुधार का आश्रम समझती है? आप ही का कोठा क्या, मेरा बस चले तो मैं हर कोठे को एक आश्रम में बदल दूं, एक ऐसे मंदिर में बदल दूं जहां समाज के ठुकराए हुए मजबूर और बेसहारों की लाज धर्म इज्जत की रक्षा हो सके। जब तू इसी समाज और धर्म की ठुकराई भी यहां पहुंची थी उस वक्त कहां थे तेरे मंदिर और आश्रम? तुझे इसी कोठे पे सहारा मिला था। आप जिसे सहारा समझती हैं वो आपका वहम है। यहां तो सहारा देकर सब कुछ लूट लिया जाता है। पर आप ये सब क्या समझेंगे भाई जी, आप ना तो किसी की माँ है, ना बहू, ना बहन। आपने सिर्फ जिस्मों का व्यवहार करना सीखा है। शराफत और लाज का सौदा करने वाली क्या जाने माँ की ममता। जब तवायफ माँ बन जाती है तो बाजार में उसका भाव गिर जाता है, उसके आशिक घट जाते हैं, और तू है कि माँ बनने के ख्वाब देख रही है। मेरे होते हुए तू कभी माँ नहीं बन सकती। कल सुबह उस मनुष्य को किसी यतीम खाने पहुंचा दिया जाएगा। भाई जी मेरे होते हुए मुन्ना को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। आप भूलती हैं, जब कोई किसी माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश करता है तो वो माँ अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का अवतार बन जाती है। दुर्गा का अवतार बन जाती है? उस्ताद जी दंडोत कीजिए दुर्गा को। तबले की थाप पर नाचने वाली मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने की जुर्रत कर रही है। दंगा जाओ अपने कमरे में। एक बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ले, तवायफ का पेशा शेर की सवारी है। जो एक बार सवार हो गया हो गया, उसका सफर खत्म होता है दोनों में से एक ही जगह, चिता के ऊपर या कब्र के अंदर। उस्ताद जी कल सुबह उस मनुष्य को किसी यतीम खाने के गले मराइए। मत गंगा, आंसू पोछ। क्या सोच रही है?
सोच रही हूँ कि क्या मुझ नसीबों जली की दुनिया बस बस कर उजड़ती ही रहेगी। इस नन्हे ने गोमती के किनारे मंदिर में भगवान और तुलसी को साक्षी मानकर मुझसे एक रिश्ता कायम किया था, तो क्या वो रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं जो इसकी माँ बन चुकी हूँ, तो क्या मेरे होते हुए इस मासूम को किसी यतीमखाने में भेज दिया जाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, शराब चढ़ गई कि पूरी चढ़ गई? माफ कीजिएगा, गाड़ी चल पड़ी थी, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी। अरे उतरने की क्या जरूरत है, बैठिए ना, बैठो। मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट है। टिकट का किस्मत खराब जो थर्ड क्लास का है, लेकिन पैसेंजर फर्स्ट क्लास। जी, कुछ कहा आपने? जी हाँ, लड़के को लेटा दीजिए ना, कब तक खड़ी रहेंगी, बैठ जाइए बैठ जाइए। अगले स्टेशन तक ही जाना है क्या? जी नहीं, बंबई जा रही हूँ। मार कोई लाश, तबीयत खुश कर दी, सुंदर साथी, सुहाना सफर। बंबई में कहाँ रहती है आप? ए? पहली बार जा रही हूँ। कौन कौन है वहाँ आपका? वहाँ क्या, सारी दुनिया में मुन्नी के सिवा मेरा और कोई नहीं। हाँ? क्या बात करती हो, एक बार प्यार से देखो तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाए। हमारे तरफ प्यार से देखो, हम भी तुम्हारे हो जाते। होश में तो है आप, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शराब पी रखी है ना, इसलिए नहीं आती। तुम भी जरा सी पी लो तो तुम्हें भी शर्म नहीं आएगी। लो पियो, पियो। हाँ, शराब पीकर आदमी सच में बेशर्म हो जाता है। शराब होकर शराब की बेइज्जती करती हो? अरे हाथ छोड़ दिया तो फिर कहोगी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुझमें जरा भी गैरत है तो इस औरत से माफी मांग, नहीं तो मैं ये तेरा छोबड़े का जोग्राफिया बदल दूंगा। मैं तुझे जेल भेजवा दूंगा, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे चुप, माफी मांग, नहीं तो अभी चैन खींच के पुलिस को बुलवाता हूँ। जाने दीजिए भाई साहब, दुनिया का ये पहला इंसान नहीं जिसने किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। मेरे लिए यही कसम है कि इसकी कोशिश नाकाम हुई। आइए बहन, आइए। ये है हमारी खोली, आइए। ओ मेरा मुन्ना पापा, मुन्ना पापा, अरे बुडू। बहन, ये खोली भी मेरी तरह है, इसे भी कभी मां की ममता और बहन का प्यार नहीं मिला। क्या बक रहा हूं मैं, अरे तुम यहां खड़ी हो, आओ बैठो बैठो, आओ बैठो। अरे ऐसा सोफा तो क्वीन एलिजाबेथ के महल में भी नहीं होगा। अगर किसी अंग्रेज को यह कह के मैं भेज डालूं कि इसके ऊपर मिर्जा गालिब बैठ के शायरी करते थे तो 1,00,000 रुपए में बिकेगा।
आज से मैं ये काम नहीं करूंगा। अपनी बहन और मुन्ने के लिए मेहनत मजदूरी करूंगा और एक अच्छे इंसान की जिंदगी बसर करूंगा। अजी सुनते हो, शादी हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हो चुके, समझे? और लगे लड़कियों को लाइन मारने? नहीं मेरे गुलाब के फूल, मैं तो सिर्फ देख रहा था। चुप रहो, आज के बाद फिर कभी किसी लड़की की तरफ देखा ना तो सारा दहेज लेकर अपने बाप के घर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं मेरे दिल की धड़कन, ऐसा न करना, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, ये थामो बैग, मैं अभी आती हूँ, समझ गए ना? जी पहचाना मुझे? अभी तो मैं अपने आप को भूला हूँ। अच्छा ये बात है, तो बुलाओ सेठानी को, वो सब याद दिला देगी। क्यों जुल्म कर रहे हो भाई? पहचाना पहचाना, रात ट्रेन में। सेठ जी वो ट्रेन की बात सेठानी को बता दूँ? क्यों राजा, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? क्या चाहिए? सेठ जी मुझे एक नौकरी दिला दो। नौकरी वोकरी मेरे पास नहीं है, कुछ और बात कहो। ये बात है, नौकरी तुम्हारे पास नहीं है तो मैं सेठानी से नौकरी मांगूंगा। सुनो सुनो तो सही। क्या है? तुम्हारी नौकरी पक्की? पक्की? हाँ पक्की। तनख्वाह? हाँ मंजूर। एडवांस? वो भी मंजूर। चलो निकाल ऑर्डर। हाँ हाँ अभी अभी दिया, अभी दिया। एडवांस ये लो बाबा, जान छोड़ो, ये लो एडवांस और ये लो पता, कल सुबह काम पर पहुँच जाना। बहुत 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 धन्यवाद। आया अभी गंगा बहन। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे भाई साहब? मैं जरा बाजार गया था मिठाई लाने के लिए। ओफो, चार पैसे हाथ आ गए हैं ना, जब तक खत्म नहीं कर लेंगे चैन नहीं आएगा। एक अच्छी खबर सुना? क्या? मुझे भी काम मिल गया है। अच्छा कहाँ? भगवान की मूर्तियाँ रखने का, यहीं पड़ोस में। काम का काम, पूजा की पूजा। कितना अच्छा काम मिला है तुम्हें। मैं आपके लिए चाय लेकर। पहले तुम हाथ धोकर आओ। क्यों हाथ धो के? क्यों? अरे हाथ धोकर आओ ना, फिर कहूंगा। अब बताइए भाई साहब। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से भाई साहब। बहन एक बार फिर कहो। इसमें कहने की क्या बात है, भाई साहब तो आप हैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो, हाथ आगे बढ़ाओ। जानती हो आज कौन सा दिन है? राखी कैसे बांध सकती? नहीं भाई साहब, मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। क्या तुम मुझे राखी नहीं बांध सकती? मेरे नसीबी ऐसे, मेरे लिए ये क्या कम है कि तुम मुझे भाई साहब कह के बुलाती हो। तुम सच कहती हो, मुझ बदनसीब को कौन राखी बांधेगा? अगर मेरी माँ जाई होती तो आज मेरा यह हाथ कांपता नहीं रहता। ऐसा न कहिए भाई साहब, ऐसा न कहिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि मेरे छूने भर से ही पवित्र धागा अपवित्र हो गया। राखी जैसे पवित्र बंधन का धागा अगर बहन के छूने से अपवित्र हो सकता है तो वो कौन सी ऐसी बात है? बताओ। मत पूछिए। तुम्हें बताना होगा। मत पूछिए। मैं कहता हूं तुम्हें मुन्ने की कसम बताना होगा। अच्छी बात है, तो सुन ही लीजिए। अगर मेरा सगा भाई भी होता तो क्या उसे शर्म आती मुझसे राखी बंधवाती?
लो राखी बांधो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारा सगा भाई बने। लो बांधो राखी। अरे ब्रदर, हाथ दुख जाएगा। हम लोगों की तो बस बस ही ठीक है। अरे ब्रदर जाओ, गाड़ी रुकी। लड़कियां के लिए है गुड लक। क्यों, क्या हुआ? मैं लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेता, माँ ने मना किया है। तुम भी उसी तरफ जा रहे थे ना, जाओ जाओ लिफ्ट ले लो। थैंक यू। जाओ भाई। मैम साहब, क्या आप मुझे बांद्रा तक छोड़ देंगी? बांद्रा तो क्या, मैं आपको चिड़ियाघर तक लिफ्ट दे दू, मगर क्या करूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आई एम सॉरी। क्या हुआ? लिफ्ट बिगड़ गई, मेरा मतलब है गाड़ी खराब हो गई। वाला तार। What nonsense? अरे, एक तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आप प्यारी प्यारी आंखें दिखा रही हैं। Hey mister, whatever is your name, मुंह संभाल के बात करो। Hey ma'am साहब, जो भी आपका नाम है, गाड़ी बिगड़ गई, आप क्यों बिगड़ रही हैं? कार का तो मैकेनिक मिल जाएगा, आप बिगड़ी तो मैकेनिक मिलना मुश्किल है। Oh, oh, you are a bore. That's it. सरदार जी, मैंने पहले आवाज दी थी? जी नहीं, पहले मैंने आवाज दी थी। ठीक है सराजी, तो आप ही फैसला कीजिए। आओ मैम साहब, धर्म रूपी गलते पहला आवाज मैं मुंडे की सुनी है। मुंडा क्या होता है? जेड़ा कुड़ी नहीं होता। कुड़ी मुंडा ये सब क्या है? साडे पंजाब विच कुड़ी लड़के नु कहंदे ने ते मुंडा लड़के नु कहंदे ने, समझे मैम साहब? जाने दीजिए सरदार जी, मैं शांति प्रदेश का रहने वाला हूँ, झगड़ा नहीं करना चाहता। आप ही नहीं ले जाइए, वैसे जमाना भी आजकल इन्हीं का है। मैम साहब, मुंडा मैं चंगा लगता है, घाटो घाटो इन लिफ्ट दे दियो। ये लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेते, इनकी माँ ने मना किया है, पर मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ है, गेट लॉस्ट, चलो सरदार जी। अरे अरे, आप पहले जा रहे हैं? आइए आइए, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। आरती, ये लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेंगे, इनके माँ ने मना किया है। क्यों जी, माँ ने ये तो नहीं कहा ना किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं देना? हुजूर, कोई लिफ्ट देने के लायक तो हो। क्यों जी, हम में क्या कमी है? कमी नहीं जी, ज्यादती है। वेरी स्मार्ट, वील शो हिम।
काका। माँ तुम, माँ तुम इतनी रात तक मूर्तियां रंगती रहती हो, अब तुम ये काम करना छोड़ दो। छोड़ दूंगी जब तू इंजीनियर बन जाएगा। अभी तुझे तो खुद अपनी पढ़ाई के लिए होटल में गाना गाना पड़ता है। जा मामा जी को उठा, मैं खाना निकालती हूँ। माँ तुमने खाना खाया नहीं तो? माँ तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। जब इंतजार करने वाले घर ले आएगा तो इंतजार नहीं किया। मामा जी अरे इंतजार करने वाली ले आऊंगा, एक खूबसूरत लड़की देख कर बस फौरन एडवांस बुकिंग कर डालो समझे, वरना रही जाओगे मेरी तरह उम्र भर कुंवारे के कुंवारे। अरे नहीं मामा जी, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, कहो तो माँ से कहकर एक कदम मामी के एडवांस बुकिंग करवा दू। तुम्हारी मामी? हाँ यानी मेरी मेरी मेरी, मेरी ओ, मामी माहो। बड़ी पुरानी चीज है, असि थोड़े एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन की है, एयर कंडीशन। थैंक यू सरदार जी। पैदल कितने जा रहे हो बादशाह, गड्डी हाजिर है। लेकिन सरदार जी मुझे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा जी, सानू तो यारां दी सेवा दा शौक है। आजा आजा गड्डी विच बैठ जाओ। आ उई लो मर्द वाली गल, ए चल पुत्रा। ओहो क्यों बादशाह, कुड़िया नु लिफ्ट दे दी है? जरूर दीजिए सरदार जी, गाड़ी आपकी और मालिक भी आप है। ओ आ जाओ कुड़िया, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में, आ जाओ आ जाओ। लगता है कि लिफ्ट देना आपकी पुरानी आदत है। ओहो सड्डे को ला जाओ बादशाह, कुड़िया नु बैठ जान दो। आओ जी आओ जी। हाय हेलो। आप सचमुच के हैं? आपको कोई शक है? अरे ये तो बोल भी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सरदार जी के क्या लगते हैं? वही जो आप लगती हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है मैं इनकी होने वाली साली हूँ। ठीक है आपने, आप शक्ल से ही साली मालूम होती हैं। व्हाट की गला कर दो पापा जी, सड्डा पे आले ब्याह ही नहीं हुआ। हो जाएगा सरदार जी, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। आपकी भी शादी नहीं हुई? बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हूँ। कोई रोमांस वमांस कहीं कुछ वो? जी नहीं, लगता है कि सारी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। ओ हाउ सैड। लाइन के लिए रोशनी गुड लक। चल क्या आपने कहीं भी रोमांस करने की कोशिश नहीं की?
जी अभी भी कर रहा हूँ, पर लगता है कि तो बेकार है। अजी बेकार क्यों है, अभी तो आप बहुत तरक्की पर है। तभी तो माँ के मना करने पर भी आपने एक लड़के से लिफ्ट ले ली। लिफ्ट तो मैंने सरदार जी से लिए, ये आपको लड़की लगते हैं? आप ही देख लीजिए। गाड़ी रोकिए। आप घबराइए नहीं, हम आपकी माँ से नहीं कहेंगे, आपको बिल्कुल मार नहीं पड़ेगी। अरे हम तो समझे थे कि आप बड़े हो गए, मगर ऐसा लगता है कि आप तो अभी भी बाजू में दूध पीते हैं। खाना भी माई खिलाती होगी अपने हाथ से, कपड़े भी माई पिलाती होगी अपने हाथ से। गुस्सा क्यों कर दो बादशाह? ये भी क्या आपकी माँ ने सिखाया है? माँ के नाम का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ तो वो ममता का रूप है जिसके पांव तले स्वर्ग है, मगर तुम क्या जानो माँ क्या होती है? मुझसे पूछो, मेरी माँ मेरा मंदिर है, मेरी पूजा है, मेरा भगवान है। मैंने कई बार माँ की आंखों में भगवान को देखा है। मेरा बस चले तो मैं भगवान का नाम बदलकर माँ रख दूं। बड़ा चुपचुप सा है आज। मैं कभी शादी नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं। कौन है वो, किससे झगड़ा कर बैठा है? कोई नहीं माँ, किसी से नहीं। उनसे छुपा रहा है, बता ना। तुम मेरी सब कुछ हो माँ, मेरा आदर्श हो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन मेरी बेइज्जती कोई क्यों करेगा? बेइज्जती नहीं माँ, अगर तुम्हें कोई बुरा भी कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बुरा क्यों कहेगा कोई भला? बुरा नहीं माँ, अगर कोई मजाक भी करे। मजाक? मजाक तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है मुन्ना, अगर वो मजाक के रूप में हो तो। नहीं माँ, के बारे में नहीं। सुन, जिस लड़के ने तेरे साथ मजाक किया था। नहीं माँ। तो लड़की? लड़की है। जब उसे ये एहसास होगा कि उसका मजाक तुझे बुरा लगा है तो वो जरूर माफी मांग लेगी। माँ तुम जानती नहीं, आजकल की मॉडर्न लड़कियां गलती करके माफी मांगना अपनी बेइज्जती समझती हैं। बहुत सुंदर है वो। पगला, चल खाना खा। एक्सक्यूज मी। यस। एक मिनट इधर आइए। यस। मैं रात के बाद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्या फिर किसी ताजा शरारत की शुरुआत है? जी नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं सचमुच आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो फिर मैं समझ लूँ आपने मुझे माफ कर दिया? यकीनन माफ किया। अच्छा तो मिस्टर समीर, हम दोनों दोस्त? मिस्टर नहीं, सिर्फ समीर। अच्छा समीर, आज शाम को तुम्हें मेरी पार्टी में आना होगा। जी नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा, माफ कीजिएगा, मेरी बस आ गई। बाय बाय। तो इसका मतलब यह हुआ आपने मुझे माफ नहीं किया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कहिए, आपने मुझे माफ कर दिया और शाम को मेरी पार्टी में आ रहे हैं? प्लीज कहिए ना, कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया, कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया, कहिए ना, प्लीज। आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कहिए। इसी वक्त जोर से हंसो, हंसो, हंसो। हाय हाय जानवी। हाय जान मेरी, तुम तो सर से पांव तक मोहब्बत लग रही हो। ये बेकरार ना हो रोशनी, आता ही होगा। कल तक जिसका मजाक उड़ाया आज उसे की दीवानी हो बैठी। चल हट, बेशरम कहीं की। बनो मत मेरे जान, जब दिल दे ही दिया है तो फिर यारों से क्या पर्दा, और फिर उसमें तेरा क्या कसूर यार? वो समीर कमबख्त
चीज ही ऐसी है। बड़ा जालिम है समीर, हमारी डालने को तड़पा रहा है। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? चांदनी लगी शर्त, वो नहीं आई। चुप रह काली जुबान वाली। अच्छा जरा इधर आना। रोशनी यार, अगर वो सचमुच नहीं आया तो क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। अरे यार पलट, वो देख आ गया। हेलो हेलो, थैंक यू, प्लीज कम। फ्रेंड्स आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं साहब, हम सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी तरफ से भी जानते हैं, खुद की तरफ से भी जानते हैं। चलो चलो। हे, आई वांट टू मीट यू, गिव मी योर टेलीफोन नंबर। रॉन्ग नंबर। रोशनी, हम सब की रिक्वेस्ट है कि इस पार्टी की शुरुआत समीर साहब के एक प्यारे प्यारे गाने से हो जाए। लिसन फोक्स, आप लोग तो मेरा गाना कई बार सुन चुके हैं, आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों से मैं कुछ सुन सकूं, तो प्लीज आप ही कुछ सुनाइए। राइट, करेक्ट। नहीं नहीं, आप ही सुनाइए ना। मैं नहीं, आप, बल्कि आप सब मिलके सुनाइए। हाँ यार, आज तो ही कुछ सुना दे। मैं क्या सुनाऊंगी? अपने दिल की आवाज। अरे यार वो ही। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। चलिए प्लीज गाइए ना। आप कहते हैं तो जरूर, मगर एक शर्त है, आप सब लोगों को मेरा साथ देना होगा। मंजूर? डन। अजी आप लोग भी गाइए ना। क्या जानू तुम बिन की, क्या दिल को बेकरारी, महफिल की महफिल की दीवानी से तुम्हारी, चैनाई जब देखी ये सूरत प्यारी प्यारी। हम भी आए हैं बाहों के हार लेके, होठों पे एक नगमा, आंखों में प्यार लेके, इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके। आओ आओ जाने जहां, दिल ने ठुड़ा कहा, आओ आओ जाने जहां। Yeah.
काका तो कहेगा। बेटे जवान होने की कोशिश कर रहा हूं, तू आ गया। बाल काले करने की क्या जरूरत है पड़ी बाबा जी? आहिस्ते बोल। गंगा बहन जान उठेगी। बेटे तू सुना, तुझे पार्टी में आज मजा आया? बहुत अच्छी। अरे मुन्ना आज मैं फुल रोमांटिक मूड में हूँ, रोमांस की बातें बता। क्यों बाबा जी, आज कोई होने वाली भाभी मिल गई क्या? पकड़ लिया ना, बड़ा होशियार हो गया है मुन्ना। तुझे पता है आज मैं इंतकाम पिक्चर की प्रीमियर पे गया था। जरा बता मेरे बाजू में कौन बैठा था? कोई मिनिस्टर होगा। अरे मिनिस्टर के बाजू में बैठ के मुझे क्या मिलेगा? चल तुझे एक और चांस देता हूं। आप ही बताइए ना बाबा जी। मैं बताऊं? मेरे बाजू में मुन्ना हाय एक फिल्म एक्ट्रेस बैठी थी। ओह कौन थी बाबा जी? इधर कान में बताऊंगा। हाँ, और सुन हाँ। अरे शोल्डर से शोल्डर लगाए बैठे थे, अभी तक उसकी सेंट की खुशबू आ रही है। बाकी मामा जी बड़ी रोमांटिक खुशबू है। और ये उसने क्या डांस किया है, अरे क्या गाना गाया है जाने ना। मामा जी माँ जाग जाएगी। सॉरी 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 सॉरी। तू उसे देखेगा? कब दिखाओगे? अरे अभी अभी। हाँ बड़ा बेचैन है मेरा मुन्ना अपने मामी से मिलने के लिए। ये बेसब्रा अभी बता रहा हूं तुझे। 1 2 3 5 मिनट रह गए, तुम्हारी ड्यूटी का टाइम हो गया, जाओ कपड़े पहनो। फिल्म कुमार फिल्म कुमार कभी तूने प्रेम किया है? मैंने तो नहीं किया, लेकिन कई हिंदुस्तानी पिक्चरों में एक ही जैसा प्रेम करते देखा जरूर है। अबे जा, क्या जाने सच्चा प्रेम क्या होता है। फिल्म कुमार उस्ताद सेठ बुला रहे, तुम जरा इस गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। क्या बेमौके सब गड़बड़ करते हैं। हेलन फिर मुलाकात होगी। मालिक लोग को नौकर बन के काम करना पड़ता है, और फिर हम तो आपका नौकर ही है, हम तो आपका फैन है। आप चाबी देगा, हम पेट्रोल भरेगा। क्या बोला? टेलीफोन। अरे मीन साहब आज मंगल का दिन है, नौकर लोग भी तकलीफ देता है और टेलीफोन भी आउट ऑफ ऑर्डर, वो भी तकलीफ देता है। अभी पेट्रोल भर देता है। पेट्रोल जमीन पर गिर रहा है। गिरने दो, डिस्टर्ब मत करो। नेकी राम ओहो ओहो इधर रख दीजिए उधर। ये लीजिए। कितना पैसा? तकलीफ ये मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपका फैन हूँ, ये पेट्रोल मेरी तरफ से तोहफा समझिए। पैसा काहे को नहीं लेता? ये मेरा पार्टनर है, थोड़ा सा क्रैक है। आप भी फिर जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नेकी राम है। नेकी राम वेरी स्वीट नेम। थैंक यू, इन्हें मीठा नाम है। मीन साहब आप बहुत अच्छी है। बाय बाय। नेकी राम देखता नहीं इतनी गाड़ियां खड़ी हैं और तू छोकरी से बातें कर रहा था। यस जी। हाँ
वो छोकरी नहीं है तो फिर क्या है? अरे वो फिल्म स्टार हेलन है, हेलन। हेलन, तू मुझसे क्यों नहीं मिल रहा है? ये मुंह और ये बॉडी और उससे मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम्हारा सिर फिर गया है। जा जा गाड़ी में पेट्रोल भर। I'm sorry, समीर, मुझे जरा देर हो गई। तुम्हारे देर से आने के बाद मैं बहुत पसंद है रोशनी, अगर तुम जल्दी आ जाती तो शायद इतना मजा भी नहीं आता। अच्छा तो मुझे पहले ही बता देते ताकि मैं और देर से आती और तुम्हें और मजा आता। लेकिन इतनी देर हुई कहाँ रोशनी? तुमसे क्या छुपाऊं समीर, दो प्यार करने वालों में कोई राज भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं कहो। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक और प्यार करने वाला आया था, वो मुझे बहुत प्यार करता था। तुम भी प्यार करती थी उसे? थोड़ा थोड़ा समीर, वो बहुत खूबसूरत था, जो भी लड़की उसे देखती थी बस दिल दे बैठती थी। गाना तो इतना अच्छा गाता था कि किशोर कुमार मोहम्मद रफी भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। एक दिन अचानक उसकी शादी हो गई, मैं बहुत रोई पर क्या करती, और फिर तुम मिले और मैंने तुम्हें अपना हमसफर बना लिया। और जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी कि वो अचानक मेरी मोटर के सामने आ गया और कहने लगा मेरी बीवी मर गई है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने लाख समझाया लेकिन वो मेरी मोटर के सामने से हटा ही नहीं। समीर, वो मेरी जबान तो नहीं समझता, तुम ही उसे समझा, शायद वो तुम्हारी जबान समझ जाए। तुम अभी उसे मोहब्बत करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे नफरत करती हूँ, नफरत। कहाँ है वो? अभी मैं उसे ठीक कर देता हूँ। वो ये अमेरिका वाले रॉकेट में बैठ कर चांद पर उतर गए तो समझते हैं बहुत ग्रेट काम कर लिया। अरे हम हिंदुस्तानी तो बिना रॉकेट के चांद पर उतर सकते हैं। निम कुमार, वो कैसे है? एक के ऊपर एक चढ़ के, कम आबादी है क्या? लो सर, तुम्हारा चांद तो मोटर में बैठ के नीचे उतर आया। फिल्म कुमार, तू बहुत अच्छा एक्टर है, आज तू जरा एक्टिंग बता दे तेरी, मेरी जरा मदद कर दे दोस्त। उस्ताद, अभी तक हीरो बनने का चांस नहीं मिला, एक बार मिल गया ना तो सब हीरो लोगों को एक्टिंग सिखा दूंगा। शाबाश है, शाबाश। आज अवेलेबल हूँ, कल सेलेबल हो जाऊंगा। शाबाश। जा, मीम साहब की गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। सुन सुन, अगर मीम साहब मेरे लिए पूछे ना तो कह देना कि सेठ बाहर गया है। उस्ताद, ये ड्रेस पहनी है इसलिए। सलाम मेम साहब। सलाम। तुम्हारा सेठ कहाँ है? सेठ तो बाजू में खड़ा है। ये नहीं, तुम्हारा बड़ा सेठ। मैडम, मैं ही तो बड़ा सेठ हूँ, वो तो मेरा नौकर है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो है, पेट्रोल फुल कर दीजिए। अरे अरे, सेठ जी सारा पेट्रोल बाहर गिर रहा है। मैडम, और कोई सेवा मेरे लायक? अरे अरे अरे, मैम साहब ये क्या कर रही है? सेठ जी आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, वो तो आपके बहुत बड़े फैन है। सेठ जी ऐसे किसी की मत कीजिए, अपना ही पेट्रोल पंप समझिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप मेरा काम खोल दीजिए। अच्छी बात है, आप रोज दर्शन तो देती रहिए। फिल्म कुमार, कुछ देखा? उसकी आंखों से मेरे लिए प्यार का सागर छलक रहा था, देखा तुमने? देख रहा हूँ सेठ, सेठानी प्यार का सागर लिए चली आ रही है। सेठानी? हाँ। इसको कहाँ से?
स्वीट मम्मी का मेरा स्वीट बच्चा। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही स्वीट जैसे मेरे दहेज के 2 लाख रुपए स्वीट थे जिसे तुमने ये पेट्रोल पंप खरीदा है। अरे भगवान, पेट्रोल पंप पे तो अपना लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम रखा करो। अरे फिल्म कुमार। नमस्ते सिठानी जी। जीते रहो भाई। वो मेरे हीरोन बनने का काम कब होगा? सिठानी जी, वो मैंने प्रोड्यूसर से बात कर ली है। हा? वो कहता था हीरोइन तो सिर्फ आप ही का रहेगा। तेरे लिए नहीं चाहते हैं सिठानी जी। लेकिन पूछ रहा था, आपको हीरो कौन सा पसंद है? राजेश खन्ना। बात बाहर ना जाने पाए। बस फिल्म कुमार, मैं जब उसके साथ हीरोइन बन जाऊंगी ना, मुझे तभी चैन की नींद आएगी। लेकिन उस बेचारे की जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी। मालकिन, मालकिन। क्या है भैया? वो बात ये है कि राजेश खन्ना आजकल बहुत टॉप पे है और साथ ही साथ उसको फिल्म पे रिवॉर्ड भी मिल गया है। हाँ। तो मामला जरा मुश्किल है। मालकिन, वो जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं चलेंगे? नहीं रे, राजेश खन्ना की तो बात ही और है। और देख फिल्म कुमार, मैं कब तक अपना ये फिगर संभाल कर रखूं? ले चाय पानी पी और पूरी कोशिश करना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जरूर कहूंगा सेठानी जी, जरूर कहूंगा। मेरी नानी, इधर तो आओ, मुन्ने ने छुच्छू कर दिया। अरे फिल्म कुमार, इधर आ यार। नीम साहब ने क्या पूछा? पूछ रही थी तुम्हारा बड़ा सेठ किधर। फिर क्या हुआ? फिर वो मोटा ढोल बजा, कहने लगा, यहाँ का सेठ मैं हूँ, वो मेरा नौकर है। अच्छा अच्छा, बेड़ा गर्क, ढोल ने पोल खोल दिया। बिल्कुल खोल दी उस्ताद। लेकिन उस्ताद, तुम्हारी ये जोड़ी जमेगी कैसे? कहाँ वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार और कहाँ कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं फिल्म कुमार। वो क्या होता है? उसका रेस में गए कभी? रेस में नहीं तो कभी नहीं गए। अरे पिछले हफ्ते एक दर्जी को 3.5 लाख रुपए का जैकपॉट लगा था। 3.5 लाख? हाँ, और उसने सोने की मशीन और हीरे की सुइयां खरीद ली थी। तो ये रेस, ये जैकपॉट, ये कैसे होता है यार, मुझे बताना तू। अरे उस्ताद, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बताऊंगा। गंगा बहन, मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे बहुत देर हो गई, अभी कपड़े बदल कर आता हूं। हे बजरंग बली, मैंने जैकपॉट खेला है, जल्दी से जैकपॉट लगवा देना। भूलना नहीं। हाँ, क्या बनाया? आलू के पराठे। आलू के पराठे? ओहो, ए धोबी, तुम हमारे कपड़े बराबर धोया करो, सब बटन तोड़ डालते हो कपड़ों। ठीक है भाभी। हाँ देवी जी। क्या खेला था जैकपॉट? हाँ खेला था, वही घोड़े जो मैंने गए थे। हाँ, लग गया जैकपॉट। उस्ताद, टिकट कहाँ है? टिकट घर में है। उस्ताद, धोबी कहाँ है? वो तो नहीं है जी। कहाँ गया? मुझको क्या मालूम, सवेरे से नहीं आए, होंगे यही बाजू वाले अड्डे पे। दारू के अड्डे पे? हाँ। बड़ी चढ़ गई है। अरे लल्लू, अरे शरद, तू बहुत लंबा हाथ मारा रे।
क्या पैंट पहना है, कोट पहना है? तुम लल्लू नहीं हो, समझे? लल्लू नहीं हो। हाय, मेरे को नशे में समझा क्या लल्लू? अबे तुझे इतना बड़ा एक्टर लल्लू दिखाई दे रहा है? मैं मुकरी हूँ मुकरी। तूने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी क्या? अरे मुकरी का तो मैं बचपन से फिल्म देखेला रे। मैं चर्चगेट में रहता था तो उसका कपड़ा भी धोता था। लल्लू तेरे को बहुत चेड़े लिए यार। ऐसा बोल यार, पोजीशन की क्यों सत्यानाशी कर रहा है? क्या हुआ कि मैं रेस के घोल पे बहुत हार गया हूँ और फिल्म में भी जरा आजकल बहुत कड़की चल रही है अपनी। अगर किसी ने पहचान लिया कि इतना बड़ा एक्टर ठहरा पिया है तो अपनी तो सत्यानाशी हो जाएगी, समझा? चाहिए क्या? चाहिए यार, लेकिन फैशन ये पाए को मालूम। अरे मान ले तो घर को जाओ। तो वो चालू चुक रहा है लल्लू। अरे वो एक्टर गया लल्लू। अरे लल्लू लल्लू यार, तू यहाँ बैठेला के चक्कर में एक एक्टर को अभी पीट। वही चेयर चढ़ गए लिए, मैं चलता हूँ। ये भी चढ़ गए लिए मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए। हे धोबी, हे धोबी। कौन धोबी? किसको धोबी बोलता है? छेड़ ले क्या? मैं राजा है। अबे हवा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कौन सा कपड़ा? अरे ऐसा करता जैसा मेरा बाप है। कपड़े दिखाता कि नहीं तुम्हें? क्या करता? अरे नगीराम बाबूजी आप, ये क्या है? तू नहीं समझेगा। नहीं, बहुत मीठा है। बहन, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हमारे सारे सपने पूरे हो गए। अरे हमारे पास बंगले होंगे, मोटर होंगी। अरे मुन्ना तुम, मैं सब मोटर में बैठ के घूमने को जाएंगे। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, 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 छोड़ जो छोड़। अरे मेरा मामा जी, अगर बात क्या है? बेटे हमारे घर में ना कल रुपयों की बरसात होगी। कोई बैंक लूटा है? तुम्हारी माँ तो सब भर्ती सोचती है। बैंक नहीं, मुझे जैकपॉट लगा है। जैकपॉट कौन है? जैकपॉट कौन है? तुम औरतों को क्या पता? खैर जा, सो जा। जैकपॉट कौन है? जा कल सुबह। तू दूध पी ले, इनको तो। बेटा दूध की मेरे को जरूरत है। हेलेन, मेरी प्यारी हेलेन, तरसे जिसको
दिल मेरे हाथ लग गया प्यार की देश में जैकपॉट लग गया सारे जहां से कहो दिलबर कहीं का भी हो महबूब मेरा है वो सारे जहां से कहो दिलबर कहीं का भी हो महबूब मेरा है वो तरसे जिसको दिल मेरे हाथ लग गया प्यार की रेस में जैकपॉट लग गया सुभागी उठी कुछ चुम्मी दो चुम्मी दो हेलन हेलन बाबा जी समीर मैं समझा तो है बाबा ये हो क्या गया आपको इतना सुबह इतनी सुबह हो गई मुझे किसी ने उठाया भी नहीं मुझे जैकपॉट कैश करने जाना है सुबह हो गई कोई मुझे भाई हाँ। मैं जैकपॉट कैश करके आऊंगा फिर चाय पीऊंगा किरण किधर भाग के किधर नहीं लाला अरे हम लोगों को पैसा दो 100-100 रुपया 100-100 रुपया हो गया हाँ 100-100 रुपया हुआ अब
पे हम जा सकता है? जाओ। सलाम लाला। सलाम। अरे उस्ताद चलो, देर हो रही है। क्या हुआ? 304 रुपए का जैकपॉट लगा। हाँ तो बाकी के 300 का है? पठानों से उधार लिया था ना, 300 रुपए वो आगे लेके गए। नहीं, क्या बात है? नहीं नहीं उस्ताद, फिर खेलेंगे, दिल क्यों हल्का करते हो? चलो तो खेलेंगे। हाँ बिल्कुल खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। भाई साहब आप हैं? क्यों, क्या बात है? मैं समझी थी मुन्ना आ गया। क्यों मुन्ना अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया, और आप मिठाई से इस तरह ले आए हैं जैसे आपको पूरा यकीन हो के उपास हो जाएगा। इसमें शकी क्या है? वो मेरा भांजा है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अरे वाह, लो मिठाई रखो। हे बजरंग बली, लाज रखना, मेरे मुन्ने को पास करवा देना। हाय हेलन, मैं अभी बहुत बिजी हूं, फिर मिलूंगा, बाय बाय। अरे बहन जल्दी आओ, मिठाई लेकर मुन्ना पास हो गया। आपको किस मालूम है बहन? वो देखो डिग्री लेकर आ रहा है। माँ, माँ मैं पास हो गया। जी सर मुन्ना, बड़ी उम्र होते। देखो माँ, कौन है ये? रोशनी है ना? हाँ माँ रोशनी। नमस्ते माँ जी। जी फिर रहो बेटी, कितने मुबारक कदम है तुम्हारे, पहली बार घर आई और सुना कि मुन्ना इंजीनियर बन गया। रोशनी ये मेरे मामा जी। जीती रहो बेटी। रोशनी वैसे तो हमारे घर में बिजली है लेकिन जरा रोशनी की कमी है, जल्दी से इस घर को रोशन कर दो। भाई साहब बच्चों से मजाक करते हुए कुछ तो शर्म कीजिए। लो रोशनी मुंह मीठा करो, तुम भी लो जल्दी से लो, मैं जरा मोहल्ले वालों को खिलाता हूँ। हमारे घर में रोशनी होने वाली है, लो लो लो, मेरा मुन्ना पास हो गया। और बात है? अरे बहुत बड़ी बात, हमारे घर में बहुत जल्द छेना है बजने वाली, उसकी खुशी में तू एक और लड्डू हटा उसमें। इसको क्या हो गया? इसको दो लड्डू दिया तो रोने लग गई। रो तो रही है, बात क्या है? सुनोगी तो खुली नहीं सुनोगी माँ। ऐसी क्या बात है? ये देखो, ये क्या है? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुझे इंजीनियर की नौकरी मिल गई माँ। सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अगर आप सारे इंजीनियर की यही राय है तो मैं चेयरमैन साहब को आपकी रिपोर्ट भेज देता हूँ। जस्ट अ मिनट सर। यस मिस्टर समीर। इससे पहले कि बोर्ड का फैसला चेयरमैन साहब तक भेजे और प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। थोड़ा सा वक्त किस लिए? दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है सर, मैं जमीन की जांच करना चाहता हूँ। व्हाट नॉनसेंस, कल का लड़का हम बुजुर्गों के तजर्बे को चैलेंज कर रहा है? बुरा मत मानिए सर, मैंने सिर्फ जमीन देखने की इजाजत चाहिए, क्या मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है सर? ये क्या बकवास है? जेंटलमैन आप लोग सब अपना फैसला सुना चुके हैं, अगर ये नौजवान कुछ करना चाहता है तो इसे भी पूरा हक है, हमें इसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए। मिस्टर समीर आप जमीन की जांच कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन मेरी पूरी बात सुने बगैर यूं फैसला न कीजिए, मुझे अपना प्लान एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए सर, वरना मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफी होगी। नो नो मिस्टर समीर, इसमें नाइंसाफी की कोई बात नहीं, ये करोड़ों रुपए का मामला है, आखिर तुम्हारे प्लान में कौन सी ऐसी ठोस बात है जिस पर मैं अपना फैसला कायम कर सकता हूँ? मेरी खोज, मेरी छानबीन, वो जमीन जिस पर बिल्डिंग्स बनाने का ख्याल है सर, मैंने उसके जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे की छानबीन की, पूरी टेक्निकल रिसर्च के बाद सर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सिर्फ ऊपर की तय नरम है जो बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए और भी अच्छी है, उसके नीचे चट्टान आती है जो धरती का कलेजा चीरती हुई निकल जाती है। ये रहा उसका टेक्निकल डेटा सर, और ये उस चट्टान का नमूना।
ये कितनी गहराई से निकाला गया है? 40 फुट की गहराई से निकाला गया सर। इसमें ना सिर्फ फेरस कंटेंट्स हैं बल्कि लॉबस्टर डिपॉजिट भी। ये चट्टान 1 क्यूबिक फुट में जितना वजन बर्दाश्त कर सकती है सर, उस हिसाब से 20 फ्लोर के आप 50 फ्लोर की बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये 40 फिट की गहराई से निकाला गया है। जी हाँ सर। मिस्टर सक्सेना, आपकी क्या राय है? सर मेरा ख्याल है मिस्टर समीर ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक मैं इस रिपोर्ट को न पढ़ लूं मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता। अगर सब डेटा जो आपने दिया है ठीक है तो मैं वादा करता हूं ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओम जय लक्ष्मी सरस्वती मुबारक हो गोपाल दास सेठ, मुबारक हो। आइए सेठ चेरामल जी, कैसी तबीयत? एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत है, नई सेक्रेटरी भी रख ली है। सेठ गोपाल दास, एक बात हमको जो चिंता दे रही है वो ये है कि जो तुम कच्ची जमीन पर पक्की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, इसमें कुछ रिस्की नहीं है क्या? बिल्कुल रिस्की नहीं है सेठ जी। 6 महीने बाद हम आपको ऊपर 20 माले पे मिलेंगे। ये कौन है भैया? ये हमारे नए आर्किटेक्ट मिस्टर समीर। बिल्कुल नए हो समीर बाबू। समीर बाबू ये तो बताओ कि 6 महीने बाद तुम हमको अकेले ऊपर मिलोगे या बिल्डिंग में मिलेगी? पूरा इत्मीनान रखिए सेठ जी, बिल्डिंग भी मिलेगी और हम भी मिलेंगे। ये सबको ऊपर ले जा रहे हैं भगवान, नोट कर लो जी। मुबारक हो। तुम कब से खड़े हुए यहाँ? बहुत देर हुई। तू अपने काम में इतना खोया हुआ था कि कुछ बोला नहीं गया। तेरे मामा जी कह रहे थे कि जो तू कर रहा है उनके समझ में तो नहीं आया कि इसका सर पैर क्या है। मेरे समझ में भी नहीं आया ये सब क्या है। मैं एक बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान है। काम शुरू होने से पहले इस तरह पेपर पर नक्शा बनाया जाता है। और जानती हो माँ, मुंबई में पहली बार मैं 20 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ। अच्छा? एक जरा सी गलती और लाखों का नुकसान, और न जाने कितनी जिंदगियों का खात्मा हो सकता है। घबराओ नहीं माँ, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तुम देखना मैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाऊंगा। भगवान तेरी सहायता करे मामा, भगवान तेरी सहायता करे। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ समीर। सर आज हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर हमारे प्रोजेक्ट और हमारी फर्म की तारीफ से भरे हुए हैं। और सर देखिए आपके बारे में भी कितनी तारीफ लिखी। ये अखबार वाले भी अजीब लोग हैं। आप ही बताइए मिस्टर सक्सेना, क्या हम और हमारा फर्म इस तारीफ के हकदार हैं? क्यों नहीं सर, पूरे पूरे हकदार हैं। हमने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। नो मिस्टर सक्सेना, हमने तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और फिर हमारे सब इंजीनियर के खिलाफ थे। अगर इस तारीफ और कामयाबी का कोई हकदार है तो वो सिर्फ समीर है। थैंक यू सर। समीर, आज हम इस खुशी के मौके पे तुम्हें अपने फर्म का चीफ इंजीनियर मुकर्रर करते हैं, और ये है हमारे फर्म की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, एक नया घर और एक नई गाड़ी। थैंक यू सर। आइए आइए भाजे साहब, बड़ी देर कर दीजिए, क्या है? बड़ी प्यारी चीज है। तुमने इस मकान को स्वर्ग से भी सुंदर सजा दिया है। पसंद आया तुझे? बहुत माँ। ये लीजिए आपकी कृष्ण कन्हैया। बड़ी सुंदर मूर्ति है, इतनी देर कहाँ लगा दी? आपकी कन्हैया को ढूंढ रहा था माँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। बहन भांजे साहब ठीक कहते हैं, आजकल ये बंसी वाला किसी से मिलता नहीं, वो अपनी बंसी बजाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि आजकल इसकी बंसी कोई सुनता ही नहीं, सब अपनी अपनी बंसी बजाने में मगन है।
जी डैडी। ये बहुत बुरी बात है, हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जो चाहो करती रहो, जहाँ चाहो घूमती रहो। सॉरी डैडी, आइंदा देखनी होगी। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, तुम्हारी शादी करा दें। मैंने एक लड़का पसंद किया है। डैडी। क्या है? डैडी, मैं किसी और से। किसी और से? किसी और से क्या? क्या क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? देखो बेटी, तुम अभी तक इतनी समझदार नहीं हो कि अपने भविष्य के बारे में सोच सको, अपनी पसंद का सही अंदाजा लगा सको। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है, कल वो 10 बजे ऑफिस में आ रहा है, तुम आकर उसे मिलो। डैडी, एक बार उसे देख लीजिए, जिसे मैंने पसंद किया है, अगर आपको उसमें किसी भी बात की कमी नजर आएगी तो मैं वैसे ही करूंगी जैसे आप कहेंगे। हाँ, भेज दो अंदर। रोशनी, वो आ रहा है। डैडी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डैडी। ओए, कम 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 इट, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। तो ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? नहीं, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? ठीक है, इधर तुम मजबूर हो, उधर हमारी बेटी। जब तुम दोनों मजबूर हो तो हम भी तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहते। तुम जा सकते हो समीर। वेट अ मिनट, समीर, समीर। ओ डैडी। La 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 जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में। छूने से मेरे सुर्ख लबों की कलियां निखरी जैसे खुल के, आज तलक दिल में जो दबे है अरमान, कह दो सजनों खुल के। चले चाहत के मारों में, जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। तो ये गुलजार, ये गुल, ये शाखे रोके चाहे जितना, ला 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 ला
ला ला ला तुम ही लेगी मेरी नजर तुमको हजारों में जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में नमस्ते माँ जी जीते रहो बेटे चार दिन के लिए मैं माँ के घर के आ गई लड़का भी पसंद कर लिया सगाई की बात भी पक्की कर ली अगर तुम दो चार दिन और ना आती तो शादी भी हो जाती आखिर मेरा भी तो हक है रोशनी पर माँ होने के नाते मुझसे तो पूछा होता तुमने कभी भी इस घर को अपना घर समझा कभी बेटी को माँ का प्यार दिया माँ के होते हुए रोशनी मेरी गोद में पलकर बड़ी हुई शादी तुमने मुझसे की और जीवन गुजार दिया माँ के साथ मेके में दादी तुमने तो इस घर को होटल समझ रखा है बस आई शॉपिंग की झगड़ा की और चल दी देखा माँ आते झगड़ा शुरू कर दिया मम्मी दादी आप दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही बच्चों की तरह झगड़ना शुरू कर देते हैं और मैं अपने आप को बुजुर्ग समझने लगती हूँ तू ही बता रोशनी क्या माँ होने के नाते मेरा कोई फर्ज नहीं अब तुम्हें याद आ रहा है माँ का फर्ज भगवान ने तुम्हें ये मौका रोशनी के जन्म से पहले भी दिया था मेरे मरहूम दोस्त भारत ने अपने मासूम बच्चे को तुम्हें माँ समझकर ही सौंपा था लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने उस पर वो जुल्म ढाए कि वो मासूम घर छोड़कर भाग गया क्या यही होता है माँ का फर्ज दादी आपने मुझसे वादा किया था ना कि आइंदा गुस्सा नहीं होंगे अगर आप रोशनी के पिता हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ ना जात बिरादरी देखी ना खानदान रोशनी के मंगेतर का खानदान है शराफत बिरादरी है इंसानियत और धर्म है काबिलियत रोशनी को हासिल करना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ये मेरा फैसला है कि रोशनी की मंगनी समीर से ही होगी जल्दी जल्दी करने पर भी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है जल्दी से ये सूट भी लगा दे इतना वक्त हो गया मम्मी का वक्त गुजरा जा रहा है ना मुन्ना आया है ना भाई साहब बहन भाई साहब आ गए अरे दौड़ो दौड़ो संभालो संभाल के लाना संभाल के जा यही रख दो बस यही रख दो बड़ी देर कर दी भाई साहब सारी मिठाइयां ले आ हिंदुस्तान के कोने कोने से मिठाई लाया हूँ बंगाल का रसगुल्ला मथुरा का पेड़ा दिल्ली का सोहन हलवा बम्बई का श्रीखंड अच्छा 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 जो मैं लाई वो भी देखिए ये देखिए रखने के लिए सारी उससे रंग खिलेगा ना बहुत अच्छा आप तो सूट भी आ गया मेरा सूट देखिए ना मुन्ना अभी तक नहीं आया आज सगाई के दिन भी उसे काम काज से फुर्सत नहीं जरा आप फोन कर दीजिए अभी करा मुन्ना आ गया लो तो मुन्ना आ गया अरे हजार बरस जिएगा मेरा बच्चा ये देख तेरा सूट और ये सगाई की अंगूठी रोशनी के लिए बोला कैसी है बहुत खूबसूरत है तुम्हारे दिल की तरह अच्छा जा अब जल्दी से तैयार हो जा चल जल्दी कर इतनी उतावली क्यों रही हो माँ ठीक अभी तो ढाई घंटे में पहुँच गए अरे पगले दिल में खुशी हो ना तो ढाई घंटे ढाई पल में गुजर जाते हैं चल चल जल्दी कर जल्दी जा बच्चा और आप इसी तरह जाएंगे नहीं नहीं आप इसी तरह जाएंगे आप दूल्हे की माँ हैं जल्दी तैयार हो जाइए जल्दी तैयार हो जाइए क्या हुआ क्या हुआ अरे कुछ कहोगी नहीं दिखा रही थी क्या पता नहीं ये क्या है अंगूठी नहीं तो और क्या है थैंक यू माँ जी अंदर है सर माँ ये क्या माँ आज के दिन आपके आंखों में आंसू इतना सुख सहा नहीं गया रे इतनी खुशी
इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकी। आंखें भर आई, आंसू निकल आए, मैं यहाँ चली आई। तेरे सामने तो रो नहीं सकती थी ना, तू तो अभी बच्चा है, मगर ये तो बच्चा नहीं है, इन्हीं का तो दिया है सब कुछ, तू भी, इतनी सारी खुशियाँ, इज्जत, ममता, प्यार, और आज का दिन, अब बस। बस क्या ना, रुक क्यों गई, कुछ कहने लगी थी ना? अरे नहीं, यही मेरा पागलपन है। बताओ ना माँ, क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम। तू छोटा सा था, तू बड़ा हुआ, वक्त गुजरा, तू और बड़ा हुआ, और वक्त गुजरा, वक्त गुजरता रहा, मैंने बड़ी लंबी जिंदगी काटी, इस लंबी जिंदगी में मैंने देखा, बेघर बच्चे, मासूम निर्दोष लड़कियां, बेबस लाचार औरतें, जिंदगी से भीख मांग मांग कर थके हुए, टूटे हुए, बिगड़े हुए, कहीं जिनकी पनाह नहीं, कोई आस, कोई सहारा नहीं। तभी सोचा था जब तू बड़ा होगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तब तुझसे कहूंगी इन सबको बटोर ले, संभाल ले, इन्हें वो सत्य दे जो इन्हें चाहिए, जो इन्हें किसी ने नहीं दिया। एक ऐसा घर दे दे जिसकी छत आसमान की तरह फैली हुई हो, और जिसका आंगन धरती की तरह विशाल हो, जहां इनकी उम्रें पले हैं, बड़े हैं, जवान हो, खूबसूरत हो, तेरी तरह, बिल्कुल मेरे मुन्नी की तरह। माँ, तुम्हारी भावना कितनी खूबसूरत है। तुम देखना माँ, मैं ऐसे ही घर बनाऊंगा जैसा तुमने सोचा है। सच माँ, उतना ही सुंदर। शाबाश, टीचर हूँ, अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मेरी जान हाजिर है। बस मामा जी, तैयार हो जाइए, इसी पल हमें जुट जाना चाहिए। अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पहले तेरा ब्याह तो हो जाए, रोशनी तो बहू बन के घर आ जाए। नहीं माँ, यह आश्रम शादी से पहले ही बनेगा। बिल्कुल ठीक, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस आश्रम को बनाने में कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? तकरीबन 5-6 लाख की सर। समझी जी, आप विचार कर रहे हैं कि ये सब रुपए कैसे इकट्ठे होंगे। ठीक है, विचार करने की बात है, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूँ कैसे इकट्ठे होंगे। विचार पूरा हो गया, रुपया इकट्ठा हो गया और आश्रम भी बन गया। कैसे? आपने हेलन मैम साहब का नाम सुना है? वो मेरी बहुत पक्की दोस्त है। हेलन मैम साहब? इनका मतलब फिल्म स्टार हेलन जी से। मामा जी, इनसे क्या मदद ले सकते हैं इस मामले में? क्या मदद ले सकते हैं? हम एक प्रोग्राम करेंगे, शानदार प्रोग्राम हेलन का, और जब वो स्टेज पे नाचेगी तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके साथ नाचेंगे। अरे संदीप जी, उसने तलाश में एक नाचा है, नाच के मजा आ गया है, और उसके साथ गाना भी गाया है कि कर ले प्यार, कर ले के दिन है। मामा जी, सॉरी सॉरी। अच्छा, आप लोग ये प्रोग्राम कीजिए, और ये रहा मेरी तरफ से 1 लाख का चेक। बच्चों के हाथ में इतना बड़ा रकम नहीं दिया जाता। शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी सर, ये चेक तो कैश हो जाएगा ना? अच्छा, कहाँ बिगड़ता है यार? अरे भाया, वो नेव छोकरो समीर जब से घोटला कंपनी में आर्किटेक्ट बनकर आए हो ना, अरे तब से अपनी कंपनी का घोटाला हो गया है। यही सोचा भाया, यही सोचा। मैं अरे समीर, आ गए हो? आओ आओ। यह हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी है, यह हमारी वेरी वेरी प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे मोटर का टायर और मोटर का स्पेयर टायर। जी, आपने मुझे किस लिए बुलवाया था? इसलिए बुलवाया था, देखिए ना, 1 लाख रुपए का चेक। जी हाँ, आपकी माता जी के आश्रम के लिए दान। जी, पहले मैंने आपके बारे में कुछ और ही समझा था, पर आप तो कुछ और ही नहीं। अरे हमारा आपका तो अब दान पुण्य का नाता हो गया है, आपकी माता जी
समाज की ठुकराई हुई लड़कियों का आश्रम खोल रही है ना। मैं चलता हूँ सेठ जी, माया चेक देकर बात खुश होगी। हमारी समस्या तो हल हो गई, अब हमारी समस्या भी तो हल कर दो। मैं मामूली आदमी, आपकी क्या समस्या हल कर सकता हूँ सेठ जी? समीर बाबू, तुम मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर नहीं तो पार्टनर बन के आ जाओ, ताकि मैं कभी कभी इन देवियों के साथ संन्यास ले लिया करूँ। मगर सेठ जी, मेरी कंपनी वाले मुझसे बहुत खुश हैं और मैं भी उनसे बहुत खुश हूँ। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता जब तक वो मुझे ना छोड़े। मैंने मालूम था अच्छा यही बोलेगा। अरे निकालने का इंतजाम भी मैंने सोच रखा है। आओ मेरे साथ, यहाँ बैठ जाओ जल्दी से। बात यह समीर बाबू कि या तो है शराब और या है शराब, इन दोनों का मिक्सचर पी लो तो थारे को थारी नौकरी से जवाब। मैंने सुना था हमारी कंपनी की वजह से आपकी कंपनी डाउन हो रही है, तो आपने 1,00,000 रुपए का डोनेशन इसलिए दिया था कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपके पास आ जाऊँ। आदमी होशियार जी, ये करप्शन है। अजी करप्शन में आजकल किसको ऑब्जेक्शन है? मुझे ऑब्जेक्शन है। आप मुझे खरीद नहीं सकते सेठ जी। मैं गोमती आश्रम मैनेजिंग कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज शाम की फंक्शन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया। जिस देवी के मन में ये भावना जागी कि एक ऐसा आश्रम बनाया जाए जहाँ समाज के ठुकराए हुए लोग शरण पा सकें, वो देवी गंगा बहन हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आएं और चंद शब्द बोलें। क्यों गंगा भाई, के हाल है थारो? क्यों मेरे को पहचाना नहीं क्या? हटिए साहब, रास्ता दीजिए। अजी हटिए क्या, गंगा भाई रास्ते में मिल जाए तो हम रास्ता छोड़ कहते थे, ये तो गंगा भाई की इंसलेट है। क्यों गंगा भाई? समीर बाबू, तुम तो आज के बच्चे हो और गंगा भाई से हमारी कल की दोस्ती है। क्यों गंगा भाई? माफ कीजिए साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अजी गंगा भाई के बारे में कैसे गलतफहमी हो सकती है? इनका एक दफा गाना सुन लियो और नाच देख लियो तो सारी उम्र मेरी तरह दीवाना हो गए फिरो तुम। हाँ, ये तो लखनऊ के मशहूर चौक की मशहूर तवायफ मशहूर गंगा भाई है। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, अपने शब्द वापस ले। कैसा शब्द वापस लूं? मैं झूठ बोलूं क्या? शरीफ नाग रखू, हमेशा सच बोलूं। तो गंगा भाई बोलो, तुम तवायफ हो कि नहीं? कमीना मेरी माँ के पवित्र दामन पर कीचड़ उछल रहा है सर, इसलिए कि मैंने इसकी सारी ऑफिस को ठोकर मार दी। ये मुझे खरीदना चाहता था सर, पर मैं बिक ना सका, इसलिए ये कुत्ता अपनी इज्जत बता रहा है सर। मैं इसकी जान ले लूंगा। अजी ले लेना ले लेना, पहले अभी माँ से पूछ लो कि सच क्या है। रुक जाओ मुन्ना। बोलो गंगा भाई, सच बोलो। माँ कह दो ये सब झूठ है, बकवास है, मैं इसे दूसरी सांस नहीं लेने दूंगा। माँ मुन्ना, इन्होंने जो कुछ कहा वो सब सच है। Munna, munna.
कब तक इंतजार करोगी? 3 बज गए, चलो अंदर आराम करो। मुन्ना आ जाएगा, आ जाएगा, चलो अंदर। भगवान पर भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा घर। मेरे पिता, इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे मुन्ने को लौटा दो, मेरे मुन्ने को लौटा दो। ऐसी बात की तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगा। जुबान खींच लूंगा? किस किस की जुबान खींचोगे? सारी सोसाइटी में तुम लोगों की थू थू हो गई है, और फिर जब ये एक तवायत है तो तुम्हें मानने में क्या तकलीफ है? इससे पहले कि मैं अपनी तकलीफ बताऊं, आप निकल जाइए यहाँ से। ये मत भूलो कि ये घर भी श्यामा बहन का ही है, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में यहाँ से निकलवा सकती हूँ। मिसेस सक्सेना, आपको ये तकलीफ नहीं करनी होगी। कहाँ चले गए? हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या एहसान करोगे? मेरी तबीयत अच्छी है ना? ये लो, संभालो अपने जेवर और कपड़े, श्यामा बहन ने सगाई तोड़ दी है। गोली वाली लड़की को बहलाकर फांस लिया था तुम लोगों ने। आप औरत हैं इसलिए अपने आप को खुशनसीब समझिए, वरना इस झूठे इल्जाम पर मैं जाइए, चली जाइए। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है सर। क्या मतलब? मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। क्यों? मेरे लिए रही क्या गया सर? बहुत कुछ, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जिन्हें तुम चाहते भी हो, और फिर तुम्हारी माँ है जिनकी खुशियों का तुम्हें। माँ की सबसे बड़ी खुशी रोशनी थी सर, मम्मी तोड़ दी जेवर लौटा दिए गए। तो क्या हुआ? रोशनी जैसी 50 लड़कियां तुम्हारी राम आंखें बिछाने को तरसेंगी। रोशनी के घर वाले कमजोर हैं, कुछ मजबूरियां हैं उनकी, लेकिन तुम तो कमजोर नहीं हो। तुम उस माँ के बेटे हो जिसकी जिंदगी के एक बहुत अहम मौके पर एक गंदे और जलील इंसान ने उनके सामने एक जहरीला सच लाकर खड़ा कर दिया। अगर वो चाहती तो उसे झुठला सकती थी, और हम सब उनके कहने को मान लेते, तुम मैं सारा समाज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अगर वो ये झूठ बोल देती तो तुम जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो झूठा पड़ जाता, उनकी कुर्बानियां झूठी पड़ जाती, उनकी तपस्या झूठी पड़ जाती। वो औरत जो हालात से डरी नहीं, जो सच से भागी नहीं, जिसने अपने खून से सींच कर सच को तुम्हारी शक्ल में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तुम उसके अरमानों का खून करना चाहते हो? मुझे वो दिन अभी तक याद है जब इसी जगह इसी ऑफिस में तुम्हारी आवाज उन तमाम तजुर्बेकार आवाजों से ज्यादा ऊंची थी। उस वक्त मैंने महसूस किया था कि तुम एक ऐसे नौजवान हो जिसका विश्वास उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना देगा। आज तुम उसी विश्वास को तोड़ देना चाहते हो, अपनी मां के अभिमान का गला घोंट देना चाहते हो। एक औरत की महानता को दुनिया से तुम ही मनवा सकते हो। जाओ, अपनी मां के हाथों को चूम कर कह दो कि तुम इस बात में जरा भी शर्मिंदा नहीं हो कि तुम उनके बेटे हो। मैं समीर की मां नहीं हूं,
समीर तवास का बेटा नहीं है। देखा माँ, जिसे जन्म दिया उसी की माँ होने से इनकार कर रही है। राम राम, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। राम 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 ही की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ, मुन्ना मेरी कोख से नहीं जन्मा, बरसों की बात है। मगर मुझे तो ये महसूस होता है जैसे कल ही की हो। मंदिर में एक दिन मुन्ने ने मेरा आंचल थाम कर कहा था, मुन्ना माँ, तुम्हारा मुन्ना। मेरा मुन्ना? नहीं पहचानी हो? तुम जब पापा से उठकर भगवान के घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था, फिर तुम बहुत दिन तक वापस नहीं, तो फिर भी बड़ा हो गया। ये तो मैं समझ गई कि बिन माँ का ये मासूम अपने पापा की बनाई हुई तस्वीर के सहारे मुझे अपनी माँ समझ बैठा है। पापा ने सच्ची सच्ची बोला ना माँ? लेकिन तुम्हारी माँ नहीं, उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आंसू, उसकी सिसकती हुई आवाज आज भी मुझे उसी तरह याद है। ये बिलकती हुई पुकार सुनकर मेरा दिल, एक माँ का दिल तड़प उठा। मैंने अपनी खाली झोली फैलाकर ममता के इस तरसते हुए फूल को समेट लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। मुझसे कसूर हुआ, बहुत बड़ा कसूर किया मैंने। बाजार अब कोठे पे रहने वाली एक औरत ममता में अंधी होकर माँ बन बैठी। भूल गई कि उसके माथे पर लिखा हुआ जन्म से ये शब्द तवायफ उसे अंधे मुले गिरेगा, उसके मुन्ने की सारी खुशियां सारी मुस्कुराहटें छीन लेगा। ये रिश्ता तोड़कर मेरे कसूर की सजा इन दो निर्दोष जिंदगियों को न दीजिए। आप भी माँ हैं, बड़ी आस लेकर बड़े साहस के साथ आपके पास आई हूँ कि पूरी बात जानकर आप। तुम मुझे दूध पीती बच्ची समझती हो जो मन घड़त कहानी सुनकर तुम्हारा एतबार कर लूंगी? हाँ, अगर तुम ये कहती कि माँ तो उसकी तू ही है, मगर बाप न जाने कौन है, तो जरूर यकीन कर लेते। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन समीर मेरा बेटा नहीं है, नहीं है। और जिन नेकियों को आप जैसे लोग जिंदगी में कभी सर उठाने का मौका नहीं देते, मैंने देखा है। एक तवायफ की जिंदगी में रहकर मैंने देखा है कि वो मासूम बच्ची हरिओम कहने वालों की, मुकद्दस बाइबल चूमने वालों की और अल्लाह अकबर कहने वालों की औलादें होती हैं। गंगा, तू हद से आगे बढ़ रही है, अपनी औकात में रह, निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। महादेवा, अरे ओ महादेवा, निकाल बाहर इस गंगा को, घर में घुसकर सारा घर अपवित्र कर दिया। भांजिया, आपकी आंखों में आंसू? रोशनी, रोशनी इधर आओ। आप ठहरिए। क्या हुआ माँ? माँ जी, माँ जी, एक तवायफ को माँ जी कैसी है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये क्या कह रही हो माँ? रुक जाओ रोशनी, किस गंदगी के पीछे भाग रही हो? माँ जी के बारे में ऐसे विचार हैं आपके, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ माँ। रोशनी बिटिया, दुख तो उसे है, इस खानदान से रिश्ता टूट जाने का, सगाई टूट जाने का। क्या सगाई तोड़ दी? ये तुमने क्या किया माँ? तू तो इस तरह चौंक रही है जैसे आसमान फट पड़ा हो। हमारी बेटी एक तवायफ के बेटे से कैसे शादी कर सकती है? अगर मेरी शादी हो जाती और उसके बाद आपको ये मालूम होता कि वो एक तवायफ का बेटा है, तो क्या तलाक दिलवा देती? अगर हमारे बच्चे हो जाते तो क्या उन मासूमों का तलाक घोट देती? बोला माँ, क्या करती? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये अनर्थ होने से बच गया, वरना मैं मारे शर्म के जहर खा के मर जाती। जहर खा लेती? अरे मैं तो गंगा जी में डूब मरती। जन्म से कोई औरत तवायफ नहीं होती नानी माँ, दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जो खुद तवायफ बनना चाहती हो। हर औरत के दिल में किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बीवी बनने की तमन्ना होती है, लेकिन तवायफ के बच्चे की समाज में क्या जगह है ये तुम जानती हो माँ? तवायफ का खून और एक शरीफ इंसान का खून ले जाकर इन समाज के ठेकेदारों से पूछो, क्या वो बता सकते हैं कि एक तवायफ का खून कौन सा है और शरीफ इंसान का कौन सा? माँ,
माझी की भावनाओं की कदर करो, उनकी महानता की दाद दो। इस सच के ख्याल से ही इंसान की रूह कांप जाए। माझी ने उस सच को हजारों के सामने सर उठाकर अपना लिया। कोई महान आत्मा ही ऐसा कर सकती है। मेरा सपना तो तब पूरा होगा जब मैं उनकी बहू बनकर माँ के रूप में उन्हें अपना लूंगी। मोहब्बत का नशा 3 दिन में उतर जाएगा रोशनी, जब तुम मिसेस समीर बनकर सोसाइटी में लोगों से मिलोगी। क्या उस वक्त भी सर उठाकर कह सकोगी कि तुम्हें इस बात पर फखर है कि जिस शख्स की तुम बीवी हो उसकी माँ तवायफ है? इसमें शर्म की क्या बात है, सच को सर उठाकर कहना आप ही ने तो सिखाया है। और फिर दादी, सोसाइटी तो एक ऐसा दायरा है जिसमें अक्सर अच्छाइयों का गला घोट दिया जाता है। डैडी, आप तो मेरा साथ दीजिए, सोसाइटी के डर से मेरे जीवन को नरक मत बनने दीजिए। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि क्या सही है क्या गलत, इसे तुम खुद महसूस करो और अपना हक मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शादी समीर से होगी। डैडी, दिमाग तो ठीक है आपका? जी हाँ। जी हाँ क्या, एक तवायफ के बेटे को अपना दामाद बनाकर खानदान का नाम रोशन करेंगे आप? खानदान का नाम ही रोशन नहीं होगा बल्कि हजारों लाखों दिमाग रोशन हो जाएंगे। क्या खाक रोशन हो जाएंगे? खानदान की नाक कट जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। किसी भी धर्म ने यह जुल्म नहीं सिखाया कि खानदान के नाम पर मासूम जिंदगियों की भेंट चढ़ा दी जाए। आज जब मैं एक सच को फर्ज समझकर पूरा करना चाहता हूँ, तुम मेरे घर की चौखट, मेरे रास्ते की दीवार बनना चाहती हो। अगर तुम जमाने का मुकाबला करने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो मेरे रास्ते की रुकावट भी मत बनो। आओ बेटी। बेटे की बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब आए मां खिलौने के कारखाने में है। कपड़े पहन के लिए अब बैठे, मैं उन्हें बुला लेता। नहीं नहीं सभी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये तस्वीर यहाँ, ये मेरे बचपन की तस्वीर है सर। तुम्हारे बचपन की? ये तुम्हारी तस्वीर है? जी हाँ। क्या बात है सर? समीर बेटा, ये तुम्हारी तस्वीर है? बेटी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सारी दुनिया में तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। और आज जो तुम मिले हो तो दिल के कितने करीब। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। क्या है जैसी? कुछ नहीं बेटा, चलो मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। चलिए। फिर चली मैं के? जी हाँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? कहीं भी। मगर मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। माँ आओ। चलो माँ, चलो ना। चलो। अच्छा बहन जी, आज मेरे घर में जो आपके साथ सलूक हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से बरसों पहले मेरी दोस्ती और मेरे तबार को ऐसा धब्बा लगा जिसकी वजह से मेरी आत्मा मुझे आज तक कोस रही और जिसकी जिम्मेदार ये दोनों मां बेटियां हैं। मैं आज तक न इन्हें माफ कर सका और न अपने आप को, लेकिन आज आपके उपकार ने मेरी दोस्ती, एतबार और मेरी जिंदगी को नया जन्म दिया। आज आपके घर में मैंने समीर की बचपन की तस्वीर देखी। शायद आप नहीं जानती, समीर मेरे बचपन का दोस्त, भारत का खोया हुआ बेटा है। ये तो हमारे नसीब अच्छे थे जो इसे आपकी गोद मिली। क्या आप भी, तुम्हें शर्म आती है इस देवी से माफी मांगने में? चलो छुवन के पाओ और माफी मांगो।
लक्ष्मी, मैं इस काबिल नहीं कि ये मुझे माफ कर सके। तू इनके चरण छू, शायद तुझे आशीर्वाद मिल जाए। मां, जीते रहो लक्ष्मी, जीते रहो। मुन्ना, तू कितना खुशनसीब है मुन्ना, आज तुझे सब तेरे अपने मिल गए। मेरी वजह से तुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारी कसम माँ, मैं भगवान को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझे इस जन्म में भी तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं दिया माँ।